और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये जो सैन समाज है ये राजनीतिक रूप में भी पिछड़ा है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर है और शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है, और इस समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मैं गांव गांव ढाई ढाई जाऊंगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाऊंगा और मुख्यमंत्री जी की भावना को हर घर में पहुंचाऊंगा, और जो भी हमारे सामने चुनौती है उसका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करेंगे, और सरकार से जितना भी बेनिफिट होगा, चाहे लोनिंग का है, सब्सिडी का है, एड का है, अनुदान का है, और जो 9 डिपार्टमेंट हमारे से जुड़े हुए हैं उन डिपार्टमेंटों के माध्यम से उन वर्ग को, उस वर्ग को, उन जातियों को जोड़ करके और उन तक फायदा पहुंचाने का हम काम करेंगे। और इसमें क्या कुछ नया करने की आपकी इच्छा रहेगी? नया तो यही है कि उन लोगों से सुझाव लिया जाएगा, उनकी मीटिंग की जाएगी और उस सुझाव के आधार पर उस पत्र को, उस कागज को सरकारी दस्तावेज बढ़ा करके और हमारी बोर्ड की मीटिंग में, प्रोसीडिंग में लेकर के और राजस्थान की कैबिनेट में हम रखेंगे, और उन सुझावों को जो जरूरी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उसको लागू करवाएंगे, धरातल पर उतारेंगे आने वाले 2023 में, इन समाजों को जोड़ करके कांग्रेस पार्टी के साथ, संगठन के साथ और राजस्थान में अशोक जी के नेतृत्व में पुनः हम राज बनाएंगे। अध्यक्ष पद से मुख्यमंत्री मोदी द्वारा आपको नॉमिनेट किया गया है, और आप इसमें क्या कुछ करना चाहेंगे और अभी क्या क्या, मतलब इसमें समस्याएं आपके सामने आई है अभी, अभी आपने ज्वाइन किए हुए उसके बाद में जयपुर से पहली बार बीकानेर पधारे हैं? सबसे पहले तो मैं हमारी आला कमान, हमारे शीर्ष नेतृत्व, तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को, श्रीमान राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के इंचार्ज श्रीमान अजय माकन जी को, और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे गरीबों के और हमारे पिछड़ों के मसीहा श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब को, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं की इतनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर और मुझे भेजा है। ये जो केश कला बोर्ड है, ये राजस्थान सरकार का बोर्ड है, और इसमें जो हुनरमंद लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनके हुनर को तराशा जाएगा, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, मेरे सामने बहुत बड़ी एक चुनौती है कि बड़े बड़े लोग, कोई दिल्ली से आकर के, कोई बम्बई से आकर के, कोई कोलकाता से आकर के, और इस हुनर को चुरा लिया गया है, बाहर वाले लोग राजस्थान में आकर के बड़े बड़े सैलून, बड़े बड़े सपा, बड़े बड़े पार्लर, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गए, और जो हकीकत में जो हुनरमंद लोग थे वो पिछड़ चुके हैं, वो लोग आज मैं देख रहा हूँ मेरी नज़र से, और मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा है, अपने कैमरे से देखा है, अपने बड़ा अच्छे तरीके से देखा है, तो वो लोग आज पीपल के गट्टे के ऊपर बैठे हैं, नीम के नीचे बैठे हैं, सफेदे के नीचे बैठे हैं, चलती हुई सड़क के किनारे स्थड़ी पर बैठे हैं कांच लगा करके। तो मैं जन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाऊंगा और उस तबके को उनके बराबर ला करके खड़ा करने का उपाय करूंगा, और मुख्यमंत्री जी की बड़ी भारी इच्छा है कि सैन समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए लोग हैं, तो इन सबको सरकार की तरफ से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनको उनके बराबर उस तबके को खड़ा किया जाए, चाहे उनमें लोनिंग की व्यवस्था हो, सब्सिडी की व्यवस्था हो, अनुदान की व्यवस्था हो, और राजस्थान सरकार के जो ये 9 विभाग हैं, इन विभागों की जो जो योजना है, जैसे श्रम विभाग का एक श्रमिक कार्ड है, तो श्रमिक कार्ड से मैं सैन समाज के लोगों को और उन लोगों को जो कारीगरी का काम करते हैं, जो केश कला का काम करते हैं, एक सेठ दुकान में एक होता है, 5 कारीगर होते हैं, उनको भी मजदूर मान करके, मजदूर कार्ड बना करके और उस योजना से जोड़ेंगे, तो उसमें 13 प्रकार के बेनिफिट्स हैं, उनसे जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, और जो सरकार की योजना है उनसे जोड़ रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे साथ हमारे भूदान बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण कड़वासरा जी विराजमान हैं, मेरे छोटे भाई काबिल दोस्त शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत जी विराजमान हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी और सैन समाज एक दूसरे के पूरक हैं, सैन समाज भी जन्म से लेकर मृत्यु तक 36 कौम की सेवा करने वाला, 36 कौम के बीच में रहने वाला समाज है। मैं इस जिम्मेवारी को बड़े बखूबी तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से, बड़ी मेहनत और लगन से इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा।